हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिशपाल सिंह है। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो देखिए इसमें ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं और आपको बताना है किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर किसी केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है, फिर आपको उसको फर्दर सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यही इसमें कह रखा है। देखिए, इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय द यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को समझा रखा है, लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तो देखिए, आपको दे रखा है यहाँ पे सेकंड पार्ट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले हमें चेक करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, मतलब इक्वल टू के जब इस तरफ होगा सब कुछ, मतलब इक्वल टू के जब लेफ्ट साइड में सब कुछ होगा तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उस तरीके से तो ये नहीं है। देखिए दूसरी क्या होती है, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इन्हीं के साथ तो हमें कंपेयर करना है। तो क्या इनको हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते अभी, तो हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो लिख देते हैं, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन का नाम भी दे देंगे हम। फिर 3x plus 2y minus 8 is equal to 0, कितना आसान है। आपको घबराना नहीं है, बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दी जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गई, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। भाई 2 क्या है, ये a1 है। फिर b1 क्या है, ये 1 है, है ना, y का कोफिशियंट 1 है, वो दिख रहा है हमें। फिर c1 क्या है, -5 है। इस तरीके से a2 b2 c2 भी हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अब इनके रेशियोज हम निकालेंगे। फिर a1 by a2 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, a1 और a2 ये है, तो क्या निकल के आएगा, 2/3। सिमिलरली b1 by b2 का देखिए, b1 by b2 देखिए क्या निकल के आता है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, दैट इज 1/2। फिर c1 by c2 देखिए क्या है, -5 and -8, -5 and -8, -5 and -8, तो -, क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये रिड्यूस हो जाएगा 5/8 में। अब यहाँ पे आप एनालिस करिए, देखिए कि क्या ये क्या क्या रेशियो निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये 2/3 है, ये 1/2 है और ये 5/3 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। तो हम कह सकते हैं सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो जब यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ गया, इन्होंने कहा है ना, जब यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा तब आप उसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनको आप जरूर करके जाइएगा। तो द स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन है, अब हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए कितना सिंपल है। अब हमने सबसे पहले क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब हमने लिख दिया, अब हमें फर्दर क्या करना है, अब हमें लिखना पड़ेगा एक्स फिर वाई एंड वन। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से लिखना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 2312, ये बस याद करने के लिए है, ठीक है, आपको याद रहे ज़्यादा समय के लिए। एग्जाम में आप इनको 2312 को पेंसिल से लिखेंगे ताकि आप उन्हें बाद में रब कर सकें। अब देखिए 2 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब जो आपके सेकंड टर्म है उसके कोफिशियंट। तो सेकंड टर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना है हमें, तो सेकंड टर्म में क्या है, वाई और 2y, तो उसके कोफिशियंट क्या हो गए, 1 and 2, तो उन्हें हम लिख देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 and, यहाँ आएगा 1 and 2। फिर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, -5 and -8, लिख देंगे -5 and -8। फिर फर्स्ट में क्या है, 2 and 3, तो उनको भी हम लिख देंगे 2 and 3। फिर देखिए फिर से सेकंड आ गया, सेकंड तो लिख रखा है पहले हमने, वहीं से हम लिख देंगे 1 and 2।
अब इसे हमने लिख दिया, अब हमने लिख दिया, अब इनको रब कर दीजिए, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, रब कर दिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे इन्हें इस तरीके से, क्रॉस का एरो बनाएंगे हम। ये देखिए एक ये बन गया, क्रॉस का बनाना है हमें, तो फिर इस तरीके से ये देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये जो एरो बनाई है, तो ये जो दो एंड पे नंबर है इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू माइनस 8 क्या होगा, माइनस 8, उसके बाद माइनस का साइन, फिर ऐसे करके इस तरीके से आएंगे, ऐसे इस तरीके से, तो फिर माइनस साइन लगा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 इंटू माइनस 5, तो क्या हो गया माइनस 10, माइनस 10 तो हमें ब्रैकेट में लिखना है इस चीज़ को, ताकि हमसे कोई गलती ना हो, जब भी माइनस आए बाद में तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर अब इस पे आते हैं हम, इस पे हम करेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो पहले क्या है माइनस 5 इंटू 3 दैट इज माइनस 15, फिर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, तो उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर स्टूडेंट फिर देखिए थर्ड पे, 2 2 जा 4, फिर माइनस 3 बन जा 3। अब से सॉल्व कर देंगे, क्या बन जाएगा x अपॉन माइनस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 15 प्लस 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी का तो हमें ध्यान देना है, और 1 अपॉन 1 हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो हमारी जो लास्ट में आती है उसे हम एक एक करके लेते हैं, कैसे लेते हैं इस तरीके से, एक बार x के साथ लेंगे और एक बार इसको y के साथ लेंगे, तो हम इसको आपको इस तरफ करके दिखाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा। फिर दूसरा पार्ट y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। मतलब एक बार x by 2 के साथ इसको लेना है, फिर एक बार इसको इसके साथ लेना है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।